गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत इजी और सिंपल सा गाजर आलू फ्राई बनाने वाली हूँ। सो लेट्स क्विकली गेट इट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने लिया है आलू, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है लंबे और पतले से। एंड आई हैव यूज्ड सीजनल कैरेट्स यहाँ पे, जो कि ऑरेंज कलर का जो अवेलेबल होता है मार्केट में, उसको भी मैंने काट लिया है। उसी के साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा अनियन और चिली। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। एक बार तेल गरम हो जाए उसमें मैं डाल दूंगी कलौंजी, वो थोड़ा सा स्प्लटर हो जाए और अच्छी सी खुशबू निकले। उसके बाद मैं डाल दूंगी अनियन। अनियन को थोड़ा सा हम चलाएंगे फॉर अ मिनट। उसी में मैं डाल दूंगी पोटैटोस, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाए उसी में मैं डाल दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट and a little bit of turmeric powder and a little bit of sugar, a quarter teaspoon of sugar. इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जैसे ही मिक्स हो जाए इसी में हम डाल देंगे कैरेट्स। कैरेट्स डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये रोटी के साथ सर्व होगा तो इसको क्रिस्पी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इसमें हमने डाल दिया है चिलीज। इसको कवर करके कुक करें जब तक कि इसका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस ना हो जाए लो हीट पे। देखिए इसका जो क्वांटिटी था बिल्कुल कम हो चुका है एंड इट्स कुक्ड। मैंने जो पहले चिलीज डाले थे उसको डिस्कार्ड कर दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश चिलीज डालूंगी। हमारा जो फ्राई गाजर आलू फ्राई है वो रेडी हो चुका है। बस इसमें मिर्ची डाल के थोड़ा सा चला के मैं इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी एंड बस इसको बस खाना है। मैंने रुमाली रोटी बनाई थी, उसी के साथ मेरा डिनर था आज ये। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।